जौनपुर में पूर्ति विभाग ने पकड़ा आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहा गैस गोदाम। टीम ने मौके से 60 से अधिक घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर और रीफिलिंग का सामान किया बरामद। मौत के साए में पल रहा था धामपुर का महल सराय। घने आबादी क्षेत्र में अगर गैस हादसा होता तो तबाह हो जाता आधा इलाका। गोदाम संचालक धामपुर नगरपालिका अध्यक्ष के लिए AIMIM पार्टी से लड़ रहा है चुनाव। टीम ने आरोपी गोदाम संचालक सहित 3 लोगों को भी हिरासत में लिया। रिमांड पर धामपुर लाया गया 1 लाख के इनामी बदमाश आदित्य का साथी विशाल। बिजनौर नगीना रोड पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में कार सवार महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। हल्द्वार क्षेत्र में चोरों ने 18 खंभों से चुराई विद्युत लाइन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत चल रहा था विद्युत लाइन डालने का कार्य। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के मौके पर चांदपुर के मुढ़ाल गांव स्थित श्री गुरुद्वारे में किया गया गुरुवाणी और भव्य लंगर का आयोजन। धामपुर नगरपालिका सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रवि चौधरी के जनसंपर्क अभियान में जुटी समर्थकों की भारी भीड़। रवि समर्थकों में कई भाजपाइयों के चेहरे भी दिखे। सिहारा नगरपालिका से निर्दलीय प्रत्याशी अख्तर जलील ने मोहल्ला उस्मान नगर में नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। जनता से सेवा का मौका देने के लिए की वोट की अपील। सिहारा नगरपालिका सीट से सपा प्रत्याशी नईमुल हसन ने भी चुनावी सभा को किया संबोधित। विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील की। बॉलीवुड फिल्म पद्मावती के विरोध को लेकर नजीबाबाद में क्षत्रिय राजपूत सभा के लोगों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन। क्षत्रिय राजपूत सभा ने फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। बाल दिवस के मौके पर नूरपुर के RR पब्लिक स्कूल में किया गया बाल मेले का आयोजन। अफजलगढ़ क्षेत्र मीरापुर में हाथी ने मचाया उत्पात। हाथी के उत्पात से इलाके में मचा हड़कंप। अफजलगढ़ के मोहल्ला किला में विद्युत ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आकर बंदर की मौत। घटना के बाद बंदरों ने मचाया उत्पात। बिजनौर नगरपालिका सीट से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी नीता अग्रवाल ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क। भाजपा के लिए वोट की अपील की। हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के ग्राम माहू में राशन की दुकान का चुनाव हुआ स्थगित। पर्याप्त पुलिस बल न मिलने के कारण स्थगित करना पड़ा चुनाव। सिहारा पुलिस ने गौवंश के साथ एक आरोपी को हिरासत में लिया, चालान कर भेजा जेल। चांदपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से सभासद प्रत्याशी आबिद हुसैन के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। नगीना नगर पालिका सीट से सपा प्रत्याशी खालिद निसार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। विधायक मनोज पारस के भाई धर्मेंद्र पारस सहित भारी संख्या में सपा समर्थक रहे मौजूद। धामपुर के मोहल्ला खातियान में बंद पड़े मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लाखों की चोरी। चोरों ने बंद पड़े मकान से चुराया जेवरों से भरा बैग।